हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, हिंदी में प्रथम लघु पत्रिका कौन सी थी? इसका आंसर है नए पत्ते। क्वेश्चन नंबर दो है, हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? इसका आंसर है भारतेंदु ग्रंथावली। क्वेश्चन नंबर तीन है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर चार है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर पाँच है, हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है? इसका आंसर है हिंदी भाषा का इतिहास। क्वेश्चन नंबर छः है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसका आंसर है परख। क्वेश्चन नंबर सात है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसका आंसर है चित्रलेखा। क्वेश्चन नंबर आठ है, इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसका आंसर है प्रणामयी। क्वेश्चन नंबर नौ है, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसका आंसर है शेखर एक जीवनी। क्वेश्चन नंबर दस है, फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसका आंसर है मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 11 है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? इसका आंसर है ग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी कौन सी है? इसका आंसर है पंच परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? इसका आंसर है विपथगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? इसका आंसर है रायश्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई चार नई भाषाएं कौन सी है? इसका आंसर है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? इसका आंसर है बिहारी जी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, रसमीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का अनुभव होता है? इसका आंसर है प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें योतिष का वर्णन किया गया है? इसका आंसर है रामाज्ञा प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? इसका आंसर है सूरदास, तुलसीदास एवं जायसी। क्वेश्चन नंबर 23 है, वीरों का कैसा हो बसंत इस कविता के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? इसका आंसर है बनारस अखबार में। वहीं अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।